और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बता दें आपको, बिहार से जुड़ी हुई, दिल्ली से आ रही है बड़ी खबर। आरजेडी के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की दिल्ली में कोरोना से मौत हो गई है। तिहाड़ जेल के डीजी ने ये जानकारी एबीपी न्यूज को दी है। कोरोना संक्रमण के हालात बिगड़ने के बाद शहाबुद्दीन को अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई है। हत्याकांड में शहाबुद्दीन दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहा था। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सुबह ही शहाबुद्दीन की मौत की पुष्टि कर दी थी, लेकिन क्योंकि जेल प्रशासन की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं गया था, इसीलिए एबीपी न्यूज ने इस खबर की पुष्टि होने का इंतजार किया। अब तिहाड़ जेल की तरफ से औपचारिक तौर पर कहा गया है कि आरजेडी के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की दिल्ली में कोरोना से मौत हो गई है। तिहाड़ जेल के डीजी ने एबीपी न्यूज से बात की। निसंदेह शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल की खबर बिहार को गमजदा करने वाली खबर है। कोरोना ने बहुत लोगों को अपने जद में समा लिया है, लेकिन शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल की पूरी जिम्मेवारी हम सरकार पर थोपते हैं। अगर उनका सलीके से इलाज हुआ होता तो आज ये मंजर देखने को नहीं मिलता। पूरा बिहार सदमे में है, और खासकर बिहार के जो अकलियत समाज के लोग हैं वो सदमे में हैं। अगर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ होता तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। उनके साथ जो भी कुछ हुआ है, उनके परिवार के साथ जो कुछ हुआ है, वो पूरी की पूरी तरीके से ज्यादती है, जिसको देश का मुसलमान कभी माफ नहीं करेगा। तो जीतन राम मांझी की पार्टी हम के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे कि पूरा बिहार सदमे में है शहाबुद्दीन की मौत की खबर सुनकर, और वो आरोप लगा रहे थे कि इलाज उनको ठीक से नहीं मिला है। मनोज ब्रह्मा हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, आधिकारिक तौर पर जेल प्रशासन द्वारा कह दिया गया है कि हाँ मौत हुई है, लेकिन इलाज को लेकर हम के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ठीक से इलाज मिला होता तो बच जाते। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि एक हफ्ते पहले ही शहाबुद्दीन की जो तबीयत है वो ख़राब हुई थी, उनको कोरोना हो गया था। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में उनको भर्ती करवा दिया गया था, जहां पर उनका इलाज लगातार चल रहा था। और आज सुबह ये खबर आई थी कि उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से, कोरोना की वजह से उनकी मौत हो गई। हालाँकि जेल प्रशासन की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की जा रही थी। हमारी सुबह भी जो तिहाड़ जेल के डीजी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई थी, तब उन्होंने इनकार किया था, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने ये साफ किया है कि शहाबुद्दीन की मौत हो चुकी है। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है, लेकिन ये कहना कि इलाज सही से हुआ था या नहीं हुआ था, ये कहना अभी गलत होगा। जब इस मामले की या तो जांच की जाएगी या फिर आगे की और चीजें होंगी तभी ये सामने आएगा। लेकिन अब इस आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि हो चुकी है कि आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन अब नहीं रहे हैं। बिल्कुल, आरजेडी सांसद रहे, बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन नहीं रहे हैं। प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए इस पूरे मामले में बिहार से अपडेट लेने के लिए। प्रकाश, हम पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि बड़ी बड़ी दुख की एक खबर है, और अल्पसंख्यक समाज जो बिहार का है वो सदमे में है इस खबर का, और वो बड़ा आरोप लगा रहे थे कि दिल्ली में ठीक से इलाज शहाबुद्दीन को नहीं मिला, इसीलिए उनकी मौत हुई। देखिए कुमकुम, शहाबुद्दीन को जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि मैं लगातार सिवान जाता था और शहाबुद्दीन से मेरी कई दफे बात भी हुई थी, जाहिर है कि शहाबुद्दीन का न सिर्फ सिवान में बल्कि पूरे बिहार में धमक थी। और उन्होंने एक वक्त जब 2016 में भागलपुर जेल से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थिति के सीएम है और लालू यादव उनके नेता है, तब दोबारा ये सुर्खियों में आए थे। कई मामलों में सबसे बड़ी जो बात थी वो तेजाब हत्याकांड में जो दो बेटों की हत्या की थी उसके आरोप में ये जेल में बंद थे। इनके खिलाफ में बहुत सारे आपराधिक मामले बंद थे। एक वाकया बताता हूँ कुमकुम, जब मैं गया था सिवान में, जब पहली दफा ये जेल जा रहे थे, तो उसके जेल जाने के बाद मैं जब उनसे मिलने गया जेल में, जेल कहने को था लेकिन वो अस्पताल में थे, तो वहां पर दरबार लगती थी। ये इनका अपना शासन चलता था, सत्ता जो है वो चलता था सरकार के समर्थन से, और उसमें भी लालू यादव का पुरजोर समर्थन हुआ करता था। लेकिन बाद में जब नीतीश सरकार आई तो इनके सारे मामले खुले और फिर लगातार ये जेल में रहे थे। जाहिर है कि ये बहुत सारे लोगों के लिए, इनके जो समर्थक थे बड़ी संख्या में हैं आज भी, जो इन्हें अपना नेता मानते थे, तो उन वो सदमे में है, उन्हें काफी दुख हुआ है। और बिहार में काफी चर्चित चेहरा थे, लोग सब जानते थे देश भर में कि शहाबुद्दीन का सिक्का कैसे चलता है। तो ये जो वाकया हुआ है वाकई लोगों को ये हैरान कर देने वाला था कि एक ऐसा शख्स जो लड़ता था और जिस जो अपने आप को डॉन कहता था और कहता था मैं किसी से डरता नहीं,
तो उसकी मौत कोरोना से हो गई है। इसको लेकर के बिहार में तरह तरह की बातें भी चल रही हैं। प्रकाश, 90 का दशक हम कैसे भूल सकते हैं? लालू यादव के साथ शहाबुद्दीन की करीबियां, राजनीतिक तौर पर उनको अकूत ताकत उन करीबियों से मिली है। जाहिर तौर पर आरजेडी के लिए शहाबुद्दीन का यूं जाना राजनीतिक तौर पर कितना नफा नुकसान लेकर आएगा? देखिए, दो बातें हैं, क्योंकि शहाबुद्दीन लगातार जेल में रह रहे थे, हालांकि जेल से भी उनका सिक्का चलता था, लेकिन एक ये कह सकते हैं कि एक सांकेतिक रूप से शहाबुद्दीन को जो यंगस्टर्स थे वो मानते थे और उन्हें अपना नेता मानते थे, इस वजह से ये जो लालू यादव है इनको फायदा हुआ करता था। लेकिन अब जबकि वो जेल में थे, उन्हें सजा हो गई थी, बावजूद इसके पार्टी के बड़े गंभीर पद पर थे वो रहे थे, तो ये कहा जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि जब नए रूप में तेजस्वी आ रहे हैं, लालू यादव के बेटे ने तेजस्वी ने अपना ग्रहण कर लिया है भार, तो ऐसे में शहाबुद्दीन का जाना आरजेडी के लिए कोई बहुत बड़ा झटका नहीं रहेगा। बिल्कुल, वक्त बदल गया है और देश की राजनीति, बिहार की ही नहीं, देश की राजनीति और राजनीति को आगे चलाने का परसेप्शन भी बदला है। प्रकाश, इन सब के बीच मनोज लगातार हमारे साथ दिल्ली से बने हुए। मनोज, शहाबुद्दीन को तिहाड़ में अलग बैरक में रखा गया था, वो पहले से ही आइसोलेशन में है, तो फिर ये कहना कि उनका ठीक से इलाज नहीं हुआ पचाने वाली बात नहीं है? जी बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि उनका ठीक से इलाज नहीं हुआ। आपको बताना चाहूँगा कि तीन लोगों को तिहाड़ जेल के अंदर बिल्कुल अलग बैरक में रखा गया था, जिसमें शहाबुद्दीन थे, छोटा राजन और नीरज भवानी, ये तीन शख्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल अलग बैरक में रखा गया था। इन तीनों के साथ किसी और कैदी को बिल्कुल भी नहीं रखा जाता था, यानी कि बहुत सुरक्षित तरीके से इनको रखा गया था। और जैसे ही इनकी तबीयत खराब हुई एक हफ्ते पहले जब इनको कोरोना हुआ, तो तुरंत, क्योंकि DDU हॉस्पिटल सबसे नज़दीक हॉस्पिटल है और जो तिहाड़ जेल के जो कैदी होते हैं उनका इलाज भी DDU हॉस्पिटल में ही होता है, और तभी इनको DDU हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। सुबह तबीयत बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इनकी बिगड़ गई थी, इनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया, लेकिन डॉक्टर इन्हें नहीं बचा पाए। तो ये कहना बिल्कुल सरासर अभी इतनी जल्दबाजी में गलत होगा कि उनका इलाज ठीक से नहीं किया गया। चलिए, मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और प्रकाश, क्योंकि आप लंबे वक्त से बिहार की राजनीति देखते हैं, आरजेडी का शहाबुद्दीन की मौत की पुष्टि करना और उसके बाद हम का ये कहना, महत्वपूर्ण बात यह है कि हम के प्रवक्ता आकर ये कह रहे हैं दानिश रिजवान कि उनका ठीक से इलाज नहीं हुआ, इलाज हुआ होता तो उनकी जान बच जाती, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, जो जीतनराम मांझी की पार्टी है, उनके जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो काफी सारे बयान देते रहते हैं इस बीच में, हालांकि बाद में उसकी पुष्टि खुद जीतनराम मांझी कई बार नहीं करते हैं, कई बार तस्दीक भी करते हैं। लेकिन अभी जो मामला चल रहा है बिहार की राजनीति में वो ये है कि कैसे शहाबुद्दीन की मौत की खबर से क्या असर पड़ रहा है बिहार में, उनके जाने से क्या नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा कि शहाबुद्दीन की धमक के बारे में लोग जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि 2000 में बिहार में नीतीश कुमार सत्ता में आ चुके थे और मुख्यमंत्री बन चुके थे, लेकिन यही शहाबुद्दीन थे जिनकी बदौलत कांग्रेस पार्टी में टूट नहीं हुई, कांग्रेस पार्टी भी टूट के कगार पर थी और नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा था, 7 दिन के ही मुख्यमंत्री रह पाए थे। उसमें में शहाबुद्दीन का अहम रोल था, विधायकों को अपने साथ जोड़े रखना, जिस भी तरीके से उस समय में इस्तेमाल किए जाते थे वो सारे तौर तरीके, पेंच, दांव पेंच सब लगाए गए थे, तो इनकी धमक जो है काफी थी। लेकिन 2005 के बाद से लगातार जेल में रहने के बाद इनकी धमक कम होती चली गई और लगातार जेल में ही रहे, जेल में रहने का काफी सारी इनमें बंदिशें भी लगाई गई थी, कई बार खबरें आती थी कि जेल में दरबार लगाते थे, उसको हाईकोर्ट ने भी कई बार संज्ञान में लिया था। तो लालू यादव भले ही अपने संपर्क में इनके साथ रहे हो, इनकी पत्नी को फिर उन्होंने आगे बढ़ाया, MP बनाने के लिए टिकट दी, लेकिन बावजूद इसके लगातार घटता रहा इनका प्रभाव। आज उनकी मौत के बाद से उनके समर्थक जरूर दुखी हैं, यह बात सत्य है, क्योंकि उनके बहुत सारे काम भी थे सिवान में, जैसे डॉक्टर्स पर पाबंदी लगाना, 50 रुपए से फीस ज्यादा नहीं लेना, उसके लिए भी लोग याद करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश, आपने तफसील से इसके राजनीतिक नवा नुकसान बताया, इसके अलावा इतिहास के पन्नों की तरफ भी आप हमें ले गए, बहुत शुक्रिया मनोज तमाम अपडेट दिल्ली से हमें पहुंचाने के लिए। राजनीतिक परसेप्शन न सिर्फ बिहार का बल्कि देश का बदला है और अच्छी बात यह है कि एक दौर में जब ऐसे बाहुबली नेताओं का राजनीतिक वर्चस्व हुआ करता था, अब राजनीतिक चाहे कितने भी बड़े चेहरे हो कहीं ना कहीं इनसे जी चुराते हैं और जाहिर तौर पर सार्वजनिक तौर पर इनसे करीबियां रखने की कोई गुंजाइश नहीं रखते हैं।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।